हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, ये होती है धुली उड़द की दाल। मेरे पास ना बहुत पहले एक मैसेज आया था कि आप धुली उड़द की दाल की रेसिपी बताइए। सॉरी, मैं लेट बता रही हूँ क्योंकि बहुत कम लोग खाते हैं, बट ये टेस्टी होती है। तो पहले हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। इसको हमें ना 2-3 बार धोना है क्योंकि पाउडर होता है, और आधा घंटे के लिए भिगोना है। दाल में तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 1.5 से 2 टेबलस्पून घी डालेंगे क्योंकि दाल का तड़का जो है वो घी में ही बहुत अच्छा लगता है। काओ घी है ये, गर्म होने देते हैं घी को। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी, जीरा। घी को ना बहुत ज्यादा ऐसे गर्म नहीं करना है। लहसुन, 6-7 कलियां हमने लहसुन के लिए 6 ली हैं, उनको चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च, ठीक है, और इनको भूनेंगे। लहसुन का फ्लेवर ना बहुत बहुत अच्छा लगता है इसमें दाल में। तो ये दाल क्योंकि थोड़ी सी हैवी होती है खाने में, तो इसलिए इसमें लहसुन और हींग डालना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो ये डालेंगे हम हींग, 1/8 टीस्पून हींग हमने डाला है। और जैसे ये लहसुन थोड़ा भुनना शुरू हो ना, देखिए भुनना शुरू हो गया है, तो एक काफी बड़ा कटा प्याज हमने इसमें डाल लिया है, या 2 मीडियम साइज के डाल लीजिए या 1 कटा हुआ डाल लीजिए। ये देखिए लहसुन अच्छा भुना हुआ लग रहा है ना, तो अच्छा भुन जाए और फिर हम ये प्याज इसमें भून लेंगे। दाल के लिए हमें प्याज भी ना इसमें ऐसे नहीं पिंक नहीं रखनी है, दाल के लिए तड़का जो है हमें अच्छा सा भुना हुआ रखना है। तो प्याज भुनने के इंतजार करते हैं। ये देखिए प्याज जो है वो भुनना शुरू हो गया है। इसी बीच हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये धनिया पाउडर, ठीक है, 1/2 चम्मच किचन किंग, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और इनको करेंगे मिक्स। सबसे लास्ट में ना मैं गरम मसाला यूज करूंगी। और आपको मैं यह बताऊं कि बहुत पहले अगर इंग्रेडिएंट्स दिखाऊं तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने अभी आपको साथ साथ डाल रही हूँ और साथ साथ बता रही हूँ। 1 चम्मच ना हम इसमें से निकाल लेंगे अलग, ताकि वो गार्निश के लिए रखें। आप अलग से भी तड़का लगा सकते हैं। तो ये प्याज और ये मसाला जो है वो भुन गया है, साथ ही डाल देंगे हम इसमें ये टमाटर। देखिए खूब अच्छे से खुशबू आ रही है लहसुन की, मसालों की। और टमाटर को ना मैंने छील लिया पहले, क्योंकि ये हाइब्रिड टमाटर है, तो 3 छोटे लें तो 3 ले लें और बड़े हैं तो 2 ले लें। इनको अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि दाल हमने 1/2 कप ही ली है। ये देखिए अच्छा सा कलर आया, इसलिए हम इसको टमाटर को यूज कर रहे हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है टमाटर डालना दाल में, बट कटे हुए का फ्लेवर एक अलग ही आता है। 1 चम्मच भर के हम किसा हुआ अदरक डालेंगे जो ग्रेट कर लिया है हमने। पहले ना वो कढ़ाई में चिपकने लगेगा, इसलिए हम इस समय टमाटर के साथ डालेंगे ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छे से ये भुन जाएगा। और इसी समय में टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि दाल को पकते हुए भी हम नमक डालेंगे। तो इसलिए अब ये तड़का हम ढक कर इसको टमाटर जब तक अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक पकाते हैं। हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया से ये दाल का मसाला जो है बनकर तैयार हो गया है। और मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगी कि ये जो शाल्क कढ़ाई है ना, शाल्क का कुकर मैं यूज कर रही हूँ, ये स्टाल कंपनी की जो कढ़ाई है इसका लिड बहुत अच्छा है और ये अच्छी है, मतलब सब्जियां ज्यादा इसमें नीचे लगती नहीं है। तो मैंने इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैंने ये यूज किया है, कोई ऐसे प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं यूज कर रही हूँ इस कढ़ाई को ना, तो बहुत ही अच्छी है। तो आप स्टील की कढ़ाई को ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। दाल में तड़के को डालते हैं। ये देखिए दाल को भीगे हुए 1/2 घंटा हो गया है। 1/2 घंटा भिगोने से ना एक तो दाल सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी कुक होती है। तो अब हम इसको
पानी निकाल के दूसरा पानी डाल लेंगे। वैसे ये साफ है और दाल को कुकर में चढ़ाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम छौंक में भी डालेंगे थोड़ा नमक, तो थोड़ा ही डालें शुरू में। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी। ये देखिए हमने इसमें पानी जो है आधा इंच के करीब ऊपर ले लिया है, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, 1/4 टीस्पून के करीब, या आधा चम्मच घी आप समझ सकते हैं, डाल देंगे इसमें। इसको मिला देंगे। और हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। मैंने ना कुकर को खोल के देखा है, दो विसल आने के बाद ना हमने 5-6 मिनट इसको आराम से ऐसे ही पकने दिया। और आप देखिए दाल में पानी जो है वो बराबर दिख रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तड़का डाल देंगे। ये जो तड़का हमने बनाया ना, इसको हम डाल देंगे इसके। और इसी पैन के अंदर हम आधा कप के करीब पानी और उबालेंगे। इसको मिक्स करेंगे तड़के को। देखिए दाल गल जानी चाहिए, कुकर से कुकर भी फर्क पड़ता है। तो ये दो विसल के बाद मैंने 3-4 मिनट इसको धीमी गैस पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा, प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दिया। और आप यहाँ देख रहे हैं ये दाल जो है गाढ़ी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, और यहां मैं आपको दिखाऊं, देखिए दाल ऐसी बात नहीं है कि गली नहीं है, दाल बहुत ही अच्छे से गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन हमें क्योंकि अभी इसको और अच्छे से ऐसे मिक्स करना है, तो ये देखिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है इसी कढ़ाई में, और इसको हम इसमें डाल देंगे। दाल ना थोड़ी देर रखी रखी फिर गाढ़ी हो जाती है, तो मैं ये सारा पानी इसमें डाल दूंगी, इसको मिक्स करूंगी। मैंने नमक टेस्ट करके देख लिया है। अब मैं थोड़ा सा डालूंगी इसके गरम मसाला। गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऊपर से भी हम इसको बाद में गार्निश कर सकते हैं। दो पिंच घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ये देखिए। और अब मैं कुकर में ना एक विसल लगाऊंगी, कुकर को बंद करूंगी और इसमें एक विसल लगाऊंगी, तब आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये हो जाता है। ये देखिए एक विसल आने के बाद कुकर अपने आप ठंडा हो गया है और ये हमारी दाल बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गल गई है अच्छे से और मिक्स हो गई है दाल, देख रहे हैं ना आप। नॉर्थ इंडिया में ना ये चावल के साथ, मक्की की रोटी के साथ खाई जाती है, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर कभी नहीं खाई है तो फिर बताइएगा मुझे कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी ये यमी सी दाल बनकर तैयार है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, घी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी। ऊपर से मैंने जो ये थोड़ा सा प्याज भून के रखा था वो हम ऊपर से डाल देंगे। ये भुना हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको पुदीने की पत्ती से गार्निश करेंगे। आप हरा धनिया कटा हुआ डाल सकते हैं, ठीक है। तो लग रही है ना टेस्टी, जरूर ट्राई कीजिएगा। सब चीजें खानी चाहिए, तो ये भी आप ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और आप जब पानी डालकर इसमें प्रेशर लगाएं तो तब लगाएं जब हल्का सा दाल खड़ा खड़ा हो, दाल का दाना। अगर वो बहुत अच्छे से गल गई है ना, तो आप खुले में पका लें। थैंक यू।